तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा अभी रुखसार को लेके आओ तो रास्ते में मैंने अपनी शॉपिंग इसकी कर ली, मतलब आते जाते में शॉपिंग हो गई मेरी। और घर पर देखो कौन आया हुआ है, भाभी आई हुई है। क्या चीज? मैं कढ़ी टेस्ट करवाने आई थी इसलिए क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि पहले मैं खुद चाहती। भाभी कढ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बनी, समझो तीखी तीखी से लग रही है। अब बोलो मुझे पता भाभी टेस्ट करने के लिए आए थे नुकसान को। नहीं यार सनी, मजाक कर रहा हूँ। आज घर में बनाया डिनर में क्या? कड़ी चावल। मैं तो चावल नहीं खाता, मैं रोटी ही खाता हूँ। तो मुझे घर पे फोन कर देती, कुछ भी चीज खाने का मन हुआ करो, मुझे फोन कर दिया करो, मैं बना कर आज भाई को फोन करके भेज दूंगी। डन। पर बुलाएंगे नहीं, खिला देंगे ऐसे ही। बुलाऊंगी ईद में, बुलाऊंगी ईद का कुर्ता पजामा लिया। और रुखसार ने मुझे शॉपिंग कराई है ईद के पजामे, ईद के कुर्ते पजामे की। ये रखा है, मम्मी को दिखा रहा था इसलिए थोड़ा सा खराब सा हो गया है सेटिंग। और ये है कलर, ये एक्चुअल में देखा जाए तो कौन सा कलर है भाभी? ये लाइट पर्पल, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा आपको। और ये है पैंट इसके साथ में, इसको ऐसे को इसको कुछ डाइजेस्ट नहीं होगा आई थिंक इस वजह से। एस्टन हाँ, क्या हुआ हमारा? ये क्या खा रहे हो? केले अकेले क्या? सैंडविच नहीं है ये, रोल है, चिकन रोल है आई थिंक। लो मैं टेस्ट करके बताओ कैसा है। तो मैं दिखाता हूँ भाभी के हाथ की कढ़ी। भाभी कढ़ी पत्ता मिल गया था? हाँ, पापा ने खरीद के लाए के दिया। ठीक है जी, तो भाभी तैयार होगी भाई भी जाने के लिए, लेकिन आपको भाभी कल आना चाहिए था शाम तक, 8-9 बजे तक आते तो ज्यादा टाइम दे पाते आप। संडे रुकती हाँ। कल मैं ही तो गया इनको मनाने के लिए, मैंने बोला भाभी यार आ जाओ घूमने साथ में, इफ्तारी करेंगे। अल्लाह कसम मैंने झूठ बोल रहा हूँ, आप बताओ मैंने बोला नहीं था आपसे इफ्तारी साथ में करेंगे आना? या मुझे मुंडा दिखाने गए? हम तो चीज ऐसे है कि हम जब जहाँ आते हैं ना वहाँ लोग अपने आप मान जाते हैं। आपके अंदर ये चीज है और अल्लाह ताला बनी रहे, आमीन। काफी लोग ये चीज बोलते हैं कि भाभी साथ में नहीं रहती हैं और अलग हैं भाभी ऐसा। इस पर मैं अलग एक व्लॉग बनाने वाली हूँ कि मतलब कई लोग मुझे बोल रहे हैं कितने घर शिफ्ट कर रही हो, कभी यहाँ आती हो कभी वहां जाती हो, तो मैं आपको बता दूं इसकी पूरी जानकारी मैं इंशाल्लाह जल्दी दूंगी। और मैं बताऊंगी मैंने कौन सा घर क्यों छोड़ा, किस लिए, मतलब जैसे लोग मुझे टोंट मारते हैं, कई लोग तो मुझे इतनी गलत सलत बातें करते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपकी ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन है, आप बिल्कुल अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। अब यही बता सकती हूं और मैं पूरा व्लॉग में मतलब पूरी चीज बहुत क्लियर क्लियर बताऊंगी। और प्लीज मेरी फैमिली को और हम सबको गलत वे में जज नहीं कीजिए, अल्लाह का शुक्र है सब में प्यार है। और थोड़ी बहुत तो यार सबके साथ होती है, हम भी लड़ लेते हैं, हम भी झगड़ लेते हैं, ऐसा मेरा मानना तो ये भाई कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है ना, सब नॉर्मल है, सब मजे में। दादा से भी नहीं मिलिया, दादा को भी बोल दो ऐसे नहीं, दादा के पास जाके चले जाना। अरे काम नहीं, अब तैयारी हो गई तो चलो। ओ हमारे कितना मिला? ओके तो यहाँ पर मेरे पास है कुछ गिफ्ट, खुद नहीं पता इसको, शादी को 4 महीने हो गए, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने तो हुए हैं, तुझे ज्यादा बताएगा शादी में। जब सबसे बात जैन काउंट कैसे होगा, शायद नहीं हुआ है ना, एक महीना इनकी शादी में। तो यहाँ पे गिफ्ट्स हैं मेरे पास जो लेकर आए हैं, हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी। पांडा बोला उसके लिए भी है ना, उसका जो बता दे
ये बहुत प्यार है। ये बहुत प्यारी है। बहुत सुंदर है, इसे बहुत काम आएगा ये कुछ करने के लिए। दादी आपके लिए चॉकलेट लाया है। हाँ बेटू, चॉकलेट खाएंगी मोटे जाएंगे दादी। ये वैसे मेरी काम की चीज है। क्या खोल तो सही, खोलो तो सही, सही। अरे खोलो तो सही, देखना है ना क्या होता है इसमें। क्या होगा अच्छा वाला आप खोलना। तभी पूछ रही थी उसके आ रहे हैं। लैंप है ना ये, इसको खोलना ओपन करना। नहीं सेम चुप हो जाओ, देखने दो हमें भी। ये बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है यार। उसमें लाइट भी लगी हुई है, बल्ब भी लगी हुई है। अच्छा किसके पसंद आया ये वाला? दिस इज लैम्प और ये लास्ट का है। चलो आप खोलो। नहीं ये सब खोलेंगे। खोलियो वे, अरे खोल दो ना, क्या हो गया। खोलो ना, खोलो आज मैं खोल। ये लास्ट ठीक है। और ये सारे जितने भी गिफ्ट्स देख रहे हो आप, ये हमारे शादी के गिफ्ट्स है जो अभी मिले हमें। ठीक है, पानी खोल नहीं देगा। और मैंने ये भी सोचा था। आप तो सब कुछ ये तो बात नहीं, नहीं ये सोचा था मैंने। अच्छा है, नाइस। अब भी हटेगी ओपन करने से बाहर तो निकालो। देगा नहीं से। इसे से। अबे अबे क्या अब तो फाड़ दो उसे। क्या हो गया, पैसे नहीं मांग रहे हम तेरे से, टेंशन है ले। नहीं अब मांगेंगे, अब तूने देख लिया। देख पसीने को छूट रहे, पैसे मांग लेंगे हम भाई। हाँ बहुत बढ़िया था भाई, सारा का सारा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा सब। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है सब। सो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। टाइम हो रहा है 2, मतलब आज जो होने वाला है करीबन 23वां रोजा होने वाला है आज, ठीक है। और अब हमें जाके फुर्सत मिल रही है जामा मस्जिद जाने की। हाँ जी, आज मैं और ये खड़ा अनीश। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? तो हम दोनों मिलके जा रहे हैं भाई कहाँ? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद किस लिए जा रहे हैं बता दो आप लोगों की। मैं शाद और मैं अनीश और शाद, वो बटला उसने उसको पिक करेंगे चलकर। और तीनों आज हम लोग जामा मस्जिद में आप लोगों को जामा मस्जिद की सैर भी कराएंगे कि कैसा नज़ारा होता है रमज़ान के टाइम पे। वैसे काफ़ी लेट हो गए, काफ़ी लोगों ने तो पहले ही जामा मस्जिद के ब्लॉग डाल दिए, बट आज यहाँ से हम लोग जाएंगे जामा मस्जिद। वहाँ के वहाँ पर करेंगे हम लोग चल के सहरी। माशाल्लाह से वहाँ की रौनक और वहाँ का रुतबा एक अलग ही होता है, एक अलग ही रौनक होती है। तो मज़ा आने वाला है, ठीक है। और बाइक से राइड करेंगे, मौसम ठंडा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है मौसम, तो मजा आएगा। तो चले भाई फिर, चलो फिर निकलते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए संडे, इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा हमें पता ही नहीं आज संडे है। और भीड़ देखो गाइस, ये देखो, ये देखिए हमारे, ये देखिए भीड़, ये देखिए भीड़, देखो 3 बजे शूट देखो, आगे भीड़ देखो भाई। और यहाँ शूज होते हैं सारे का, ये यहाँ पे सब, ये देखिए भाई। ओके सो हम लोग पहुंच गए हैं जामा मस्जिद 1 नंबर गेट, इसके सामने ही है जहां हमें जाना है। और बाइक हमने खड़ी कर दी है भाई, लग ही नहीं रहा है कि सुबह के 3 बज रहे, ऐसे रश हो रही है। और आज संडे है, मैंने दिखा दिया आज यहां पे संडे मार्केट लगी हुई है, जो कि
मतलब दिल्ली के बंदों को पता होगा अच्छी खासी बड़ी मार्केट होती है और यहाँ पे आप लोग को सुई से लेके सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ठीक है तो चलो ठीक है अंदर चलते हैं और बाइक सेफली हमने खड़ी कर दी क्योंकि यहाँ पे चोरी का बड़ा ही डर होता है, इनसे पहले गायब होती है चीजें, सिर्फ बाइक नहीं इंसान भी गायब हो जाता है। चले भाई, चलो भाई, चलो लेट्स गो। हैं नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, धक्का नहीं भाई, व्यू देख। मतलब 23वें रोजे पे आ रहे हैं हम लोग और अब ये नजारा हमें दिखाए भाई, गाँव मौजूद और मोहब्बत के शरबत मत पियो, ऐसा हो नहीं सकता। ये भाई ठंडा ठंडा जब गले में लगता है ना बहुत ही बढ़िया लगता है यार कसम से। तो सैरी कर ली हम लोगों ने और यहाँ से नमाज पढ़ के अंदर जाएंगे, नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़ के फिर यहाँ से निकलते हैं। टाइम भी हो चुके हैं 4:20, सो फजर की अजान हो जाए उसके बाद फिर निकलते हैं।